साजू नमस्कार। अक्सर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि इतनी बार एआई करवा दी उसके बावजूद मेरी गाय भैंस ठहरी नहीं है, बार बार एआई करवा रहे हैं और रिपीट होती जा रही है, जबकि पशु चिकित्सक बोल रहे हैं कि उनका सीमन जो है वो भी सही है, यानी स्ट्रो भी सही है, भैंस हीट में भी सही है, इसके बावजूद यानी उसकी बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, उसके बावजूद ठहर क्यों नहीं रही है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे समाधान आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। अगर ये काम एआई के बाद किया जाए तो कंसप्शन रेट को बढ़ाया जा सकता है। देखिए कौन कौन से काम है, नॉर्मली काम है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा, नोट कीजिएगा। पहला जो काम है, ठंड की चीज़ें खिलाएं। देखिए जो ही हम एआई करवाते हैं अक्सर हम गलती करते हैं कि कुछ भी देते नहीं है, जबकि उस अवस्था में हमें ठंड की चीज़ें कुछ ऐसी देनी चाहिए जो कि कंसप्शन रेट को बढ़ा दे। जैसे धनिया पाउडर, धनिया पाउडर या हरा धनिया आपको मिल जाए तो धनिया का पाउडर 50-50 ग्राम कम से कम दो दिन सुबह शाम दें, और धनिया अगर आपको हरा मिल जाए तो वो भी 200-200 ग्राम सुबह शाम अगर दें तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा मेहंदी के पत्ते, मेहंदी के पत्ते बहुत ही शानदार रहते हैं, कंसप्शन रेट भी बढ़ाते हैं, शरीर की गर्मी को इंस्टेंटली कम करते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं 50-50 ग्राम सुबह शाम दो दिन दे दें। हरे मिल जाए तो 100-100 ग्राम सुबह शाम दे दें दो दिन। यानी फाइनली हमें ठंड की चीज़ें देनी है, जैसे सौंफ हो गया, सौंफ भी अच्छी होती है, ठंडी होती है, तो वो भी आप 100-100 ग्राम सुबह शाम दे सकते हैं। तो दो दिन तक हम जो भी चीज़ें खिला रहे हैं वो ठंड की चीज़ें खिलाएं, ताकि बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो वो है 45 मिनट तक बैठने ना दें। ये भी एक लॉजिक मानते हैं, गांव में बहुत ज़्यादा इसे माना जाता है, जबकि साइंटिफिकली देखें तो इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है, लेकिन हम ये नॉर्मली कह सकते हैं कि होता क्या है, जो स्पर्म होता है उसे, स्पर्म को जहाँ पर छोड़ा जाता है बॉडी ऑफ यूट्रस में छोड़ा जाता है, तो वहाँ से उसे फेलोपियन ट्यूब में पहुँचने के लिए 45 मिनट का समय लगता है। यानी 40-45 मिनट में वो फेलोपियन ट्यूब में पहुँच सकता है अगर उसे अच्छा माहौल मिले तो। इसीलिए कहते हैं कि जो ही हम एआई करवाएं उसके बाद 45 मिनट तक पशु को बैठने ना दें, ताकि ज़्यादा डिस्चार्ज वगैरह, एकदम से डिस्चार्ज गिरता है ना वो कई बार तकलीफ कर सकता है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी एआई वर्कर एआई करने के लिए आते हैं वो हाथ से हॉर्न में जितना भी डिस्चार्ज होता है उसे सबको बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद जो हल्का डिस्चार्ज रहता है वो स्पर्म की गति को बढ़ाने में काम में आता है, यानी स्पर्म की गति को बढ़ाता है। और स्पर्म कैसे गति करता है, डिस्चार्ज जो आ रहा है उसकी विपरीत दिशा में, यानी डिस्चार्ज की विपरीत दिशा में स्पर्म गति करते हैं, तो वो जब गति कर रहे हैं विपरीत दिशा में तो उस गति को डिस्चार्ज बढ़ाता है, ऐसी बात नहीं है कम करता है, लेकिन एकदम से अगर डिस्चार्ज ज़्यादा बाहर निकला तो उस समय तकलीफ हो सकती है। इसीलिए जो 45 मिनट तक बैठने वाला नियम है वो भी पशुपालक बोलते हैं तो सही के लिए बोलते हैं, काम आ सकता है, तो इसे भी अपनाएं बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो गर्म आहार बंद कर दें। एक्चुअली जब भी गाय भैंस बच्चा देती है उसके बाद जब हीट में आती है हम क्रॉस करवा देते हैं, जबकि उसके लिए गुड़, अजवाइन, बाजरा, जो भी हम गर्मी की चीज़ें दे रहे हैं उन्हें हम बंद नहीं करते हैं। तो अगर गर्मी की चीज़ों को बंद नहीं करोगे तो कंसप्शन रेट कम हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी हम भैंसे से क्रॉस करवाते हैं या एआई दोनों में ही गर्म आहार देना बंद कर दें, मेनली बाजरा, क्योंकि गुड़ अजवाइन तो हम जब भी बच्चा देता है, गाय भैंस बच्चा देती है तो उस समय देते हैं, उसके बाद हम देते नहीं हैं, जबकि बाद में ज़्यादातर बाजरा दिया जाता है, गर्म आहार दिया जाता है, तो उसे अगर आप कम करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा कंसप्शन रेट को बढ़ाने के लिए। यानी गर्म आहार आपको तुरंत ही जो ही एआई करवाई बंद कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो आता है गाय भैंस को दूध पिलाएं। अगर गाय है तो उसे भैंस का दूध पिलाएं, फ़ायदेमंद होता है। एआई के तुरंत बाद अगर आप 24 घंटे के भीतर भीतर कम से कम 1-2 लीटर अगर दूध पिलाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा गाय के लिए,
आप भैंस का दूध पिलाएं और भैंस के लिए आप गाय का दूध का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये भी जांचा परखा आइडिया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये यूं ही बनाया गया, यूं ही नहीं है, ये जांचा परखा है, इससे रिजल्ट बढ़ता है। तो आप आजमा करके ज़रूर देखें। एआई के तुरंत बाद गाय को भैंस का दूध पिलाना है और भैंस को गाय का दूध पिलाना है। इसके बाद तांते यानी डिस्चार्ज का ध्यान रखें, ये बहुत ही बड़ा बिंदु है। कई भाई क्या करते हैं, हमने तो एआई करवा दी, बस एआई करवा दी और फ्री हो गए, यानी बाद में उन्होंने शाम को या दूसरे दिन सुबह ये नहीं देखा कि उसने डिस्चार्ज कैसा किया है। अगर मान लीजिए कि एआई करने के बाद 24 घंटे तक किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज नहीं आया, तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई डिस्चार्ज आ गया और वो भी मान लीजिए ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आ गया, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज का मतलब है एकदम से पारदर्शी, चमकीला, कांच जैसा, तो वो अगर डिस्चार्ज आ रहा है, मान लीजिए आपने सुबह एआई करवाई और शाम को चमकीला डिस्चार्ज आ गया, तो इसका मतलब उसके ठहरने की जो संभावनाएं हैं वो कम रहेगी, संभावनाएं कम रहेगी। ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ठहरेगी नहीं, हो सकता है कोई स्पर्म गति करके चला गया हो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब तक डिस्चार्ज आ रहे होते हैं तब तक एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि जो हीट साइलेंट, मतलब हीट रुक जाती है, बंद हो जाती है, जो मैट एस्ट्रस की अवस्थाएं हैं, जो अंदर चार अवस्थाएं आती है, उनमें से एक अवस्था है जो एस्ट्रस के बाद आती है, मैट एस्ट्रस, और इस अवस्था में ओव्यूलेशन होता है। तो अगर मान लीजिए कि ये अवस्था आई नहीं है और आप पहले ही सीमन करवा रहे हैं, तो सीमन तो बेचारा 12 घंटे अंदर रहेगा, उसके बाद मामला फिनिश हो जाएगा। इसलिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि अगर एआई करवाने के बाद भी डिस्चार्ज आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें एक बार एआई और करवानी पड़ सकती है। एक्चुअली पहले AM PM का नियम था, सुबह करवाओ उसके बाद शाम को करवाओ, तो वो कंसीव हो जाती थी ईजीली, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो उसमें भी नहीं होती। हम सुबह करवा देते हैं, शाम को और एआई करवा देते हैं, उसके बावजूद दूसरे दिन मान लीजिए चमकीले तांते दे दिए, तो क्या करोगे? इसका मतलब हीट तोड़ी नहीं है, और हीट अगर नहीं तोड़ी है इसका मतलब कंसीव नहीं होगी। इसलिए हमें डिस्चार्ज का भी पूरा ध्यान रखना है। जो ही एआई करवाते हैं उसके बाद डिस्चार्ज का प्रॉपर ध्यान रखना है कि अगर डिस्चार्ज कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। चमकीले डिस्चार्ज अगर वापस आ रहे हैं तो एआई करवानी ही पड़ेगी, और अगर चमकीले नहीं आकर के गाढ़े डिस्चार्ज आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चेदानी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर 24 घंटे तक कोई डिस्चार्ज नहीं आया, 24 घंटे बीत गए कोई डिस्चार्ज नहीं आया, इसका मतलब गैबिन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें आप, और एआई करने के बाद कुछ ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन्हें फॉलो किया जाए तो रिजल्ट बढ़ाया जा सकता है।